मैं थम्सअप पी रहा हूँ कोई 30 सालों से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसे थोड़ा कम ही पीना चाहिए। वो तो ये भी कहते हैं कि मुझे इस उम्र में आराम करना चाहिए और मोटरसाइकिल पर बैठकर गोवा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। For your parents' first international vacation, 110,000 rupees on your MasterCard. Wow! सर, ये लड़की हमारी फिल्म के लिए बिल्कुल ठीक है। आप कहें तो मैं जाके बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठहरो, मैं खुद पता लगा लूंगा। हेलो स्टीवन, कैसे हो? कोपिंग फादर। ओह, वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर। कैन यू वॉक? कैसे? हार्ट अटैक फादर। ट्रेडमिल पे जॉगिंग कर रहे थे। और स्पीड क्या थी? 10.5 फादर। स्पीड क्या बात है यार, कल सवेरे सवेरे दिखाई नहीं पड़ रहे हारने के डर से ना। अरे जाओ यार, डॉक्टर बनर्जी के दूसरा सेब खाए के समझौता का हमेशा तुम्हें ही जीती हो। आ जाइए कल सुबह, फैसला हो जाएगा। हसमत भाई, आना तो आपको है कल। मिस्टर कदम जी बोलिए। हाँ थापर साहब से कहिए नॉट टू वरी, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, वो टेंशन ना ले। फाइन मिस्टर मिर्चंदानी। ओके बाय बाय। क्या नाम है उस लड़की का? सर वो एक अच्छी जर्नलिस्ट है। वी विल लूज अ गुड जर्नलिस्ट। फायर द बिच, उसे निकाल दो। यू मे लीव नाउ। चोर नहीं पकड़े गए तो क्या हुआ? उनकी लूट तो हमारे कब्जे में है। और ये बाइक सर, ये हमें बताएगी कि वो इतने तेज क्यों है। अली हाँ, ये पकड़। पूरा ऑपरेशन कर लिया डॉक्टर अली ने, क्या इंजीनियरिंग मारा हुआ है। और मेन बात ये देखो, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर ये फिक्स किया है। इससे क्या होता है ना, एक बटन दबाएंगे तो बाइक तो रॉकेट बन जाएगा, रॉकेट। और एक और हाईलाइट है, ये टाइमिंग एडवांसर। इससे क्या होता है ना, फायरिंग गुड गुड ऊर्जा का स्रोत। ये किताब हमारे परम मित्र रंजय कुमार जी ने लिखी है। कुछ दिनों पहले उनका फोन आया हमारे पास कि आपके लिए एक सरप्राइज है। लेकिन जब वो आए शाम को तो उन्होंने ये पुस्तक मेरे हाथ में, और मैं पुस्तक को देख के वाकई सरप्राइज हो गया। मुझे लगा कि यार इस नौजवान लड़के में इतना हौसला, इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने इतनी बढ़िया किताब लिख दी। मैं बहुत खुश हुआ और मैंने कहा लेकिन इस किताब के बारे में मैं तुम्हें तभी बता पाऊंगा जब मैं इसे पढ़ूंगा, तो मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसको पढ़ने के बाद भी तुमसे वार्तालाप करूंगा। आज रंजय कुमार ये पूछने के लिए कि आपने पढ़ी किताब की नहीं पढ़ी, तो मैंने ये किताब पढ़ी और कई दिनों तक पढ़ता रहा इसको, काफी बड़ी किताब है। और किताब को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे ख्याल से इसे हर एज ग्रुप के आदमी को पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि जितने लोग भी जिंदगी को सही मानों में समझना चाहते हैं या एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ये किताब कहीं ना कहीं उनकी बहुत हेल्प करेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब्जेक्ट पर ये दुनिया की सबसे अच्छी किताब है, लेकिन जितनी ईमानदारी से, जितनी सिंप्लिसिटी से और जितनी जद्दोजहद से ये किताब लिखी गई है, मैं समझता हूं कि नौजवानों के लिए और इवन ग्रोन अप्स के लिए ये किताब मशाले राह या संग मील समझिए, माइल स्टोन की हैसियत रखती है। ये किताब पढ़ने के बाद आपके अंदर हमेशा के लिए कुछ बदल जाएगा। आप कुछ ऐसी बातें अपने बारे में जान लेंगे जो इससे पहले आप नहीं जानते थे। ये किताब आपको पूरे देगी। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो मैं आग्रह करूंगा कि आप इसे एक दो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे इसे। ये मेरा वादा है। धन्यवाद।